आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। ठुमक चली ठुमरी, आइए सुने इस श्रृंखला की आज चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं माधुरी ओक और शरद सुतवने। शोध और आलेख विश्वनाथ ओक, इनसे बातचीत कर रही हैं निम्य मिश्रा। सुनते हैं चौथी कड़ी ठुमक चली ठुमरी। सुंदर राग मारू विहाग ही है ना ये। हाँ, आप सभी को पहले नमस्कार। विश्वनाथ जी नमस्कार, शरद जी आपको नमस्कार, माधुरी जी नमस्कार, नमस्कार। और शरद जी आप ये जो गा रहे थे मारू विहाग, तो कुछ ख्याल का ये रियाज चल रहा था ना। हाँ, ख्याल के लिए चल रहा। तो ख्याल का जहाँ जिक्र आता है तो इसमें घरानों की हम बात करते हैं, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना, किराना घराना है, हाँ, पटियाला है, इंदौर है, इंदौर घराना है, भिंडिया बाजार घराना है, दिल्ली घराना है, रामपुर सहसवान है, रामपुर जैसवान है, भिंडी बाजार है, बहुत से। और ये तो ख्याल गान का हो गया। ध्रुपद शैली में भी गोबर हरी, खंडार, डागुर और नोहार, ऐसी चार बानिया है। अच्छा, हाँ, यही तो मैं जानना चाहती थी कि ठुमरी गायन में भी ऐसे घराने और बानिया होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन इन्हें घराने के बजाय ढंग या अंग या शैली कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, ठुमरी गायन की उत्पत्ति अवध के नवाबों के दरबार में हुई। नवाब वाजिद अली ये उनका नाम था। जी हाँ। बड़े ही रसीले थे, गायन वादन नृत्य का इन्हें बहुत शौक था। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है कि इन्होंने कुछ ठुमरियों की भी रचना की। हाँ हाँ, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। अख्तर पिया इस तखल्लुस से उन्होंने कई ठुमरियों की रचना की है। अच्छा। उन्हीं के दरबार में नर्तक की इन ठुमरियों को पेश करती थी। इन्हें बंदिश की ठुमरी भी कहा जाता है। अच्छा, बंदिश की ठुमरी। हाँ, हाँ। इन ठुमरियों को गाने का जो ढंग था उसी को लखनऊ शैली कहते हैं। अच्छा, इसकी और क्या विशेषता है? ये ठुमरी विशेषता स्वरांग प्रधान है। इसमें अलग अलग तरीकों से स्वरों का डिजाइन बनाया जाता है। अच्छा। अभी देखिए, काफी राग में मानो मानो जी छैल नंद लाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल, मूर्ख मोरी अंगिया भिगोई, ऐसे पिचकारी मारी भी गई सारी, रंगडारो न गुलाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल, मानो मानो जी छैल नंदलाल। ये लखनऊ की शैली थी। हाँ हाँ। और दूसरी कौन सी शैलियां हैं? दूसरी और बनारसी ठुमरी है। जी हाँ। इसकी विशेषता है बोल बनाव से रंजकता पैदा करना। कजरी, झूला, सावन, ये जो गीत प्रकार है ना, वो इसमें शामिल रहते हैं। इसका कुछ उदाहरण बताइए ना। हाँ, एक कजरी है। घेरी घेरी आई सावन की बदरिया राम, घेरी घेरी आई, घेरी घेरी आई सावन की बदरिया राम, घेरी घेरी आई, घेरी घेरी आई सावन की बदरिया राम, घेरी घेरी आई। एक झूला नाम का प्रकार होता है इसमें। जी, झूले
हिंडोले सखी झूले हिंडोले कुंज बन में सखी माधो बन में सखी झूले हिंडोले झूले हिंडोले। बहुत सुंदर झूला प्रकार है। अच्छा। ऐसे बहुत प्रकार है इसमें। अच्छा और कोई इसकी शैली है? हाँ पंजाबी शैली की ठुमरी है ना। पंजाबी शैली की ठुमरी में टप्पे का अंग शामिल रहता है। अच्छा टप्पे का अंग जो टप्पा रहता है। हाँ। गले की चपलता मुर्की खटका इनकी अधिकता चमत्कृतिपूर्ण स्वर प्रयोग इस शैली की विशेषता है। अच्छा विश्वनाथ जी इन तीनों के अलावा भी कोई और शैली होती है? है ना कोलकाता गया ग्वालियर मुंबई ऐसे शहरों में वहाँ के गायक गायिकाओं ने ठुमरी गायन में अपना अपना अलग रंग जमाया। माधुरी जी आप भी तो कुछ कहिए। मैं तो भला कुछ गाना सुना नहीं पसंद। हाँ और हम भी वही सुनना पसंद करेंगे। तो क्या सुना रही हैं आप? राग मांड पर आधारित एक ठुमरी सुनाती हूँ। अच्छा मांड नाम से ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे राजस्थान का कोई फोक हम सुन रहे हैं। तो मांड राग जो है वो राजस्थान की भूमि पर ही विकसित हुआ। हाँ, ये जो राग है मांड ये बिलावल थाट के अंदर है संपूर्ण है और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जी हाँ बारिश स्वर इसमें षडज है और संवारी स्वर पंचम है। इसके आरोह में दो तरीके में किए जाते हैं आरोह। सागरे मगप मद पनी धसा ये एक प्रकार है। जी हाँ दूसरा प्रकार है सारे मपदसा ऐसा भी करते हैं। चलनी इस प्रकार है जी सारे मपद मपदसा सानी द प मगरे गसा रे दसा सारे म मपद मपद सारे साद मरे सा सारे मपद सा वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारो देश। वो तो मांड लेकिन फिल्म का। जी हाँ जी हाँ बहुत अच्छा। तो अब कुछ सुनाइए माधुरी जी कोई ठुमरी सुनाएंगी आप? हाँ जी हाँ संदेशा मोरा कहियो जाए कागारे जारे जारे कागारे जारे जारे कागारे को संदेशा मोरा
बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। और ये सुनते सुनते मुझे एक गाना भी याद आया। पुरानी जिद्दी फिल्म है लता मंगेशकर की आवाज में गाना है, वो भी कुछ ऐसे ही है। तो चलो यही सुनेंगे अभी। लेकिन इसमें एक बात है, क्या ये जो गाना है फिल्मी गाना, उसमें मांड में खमाज राग की भी छाया मिलाई हुई है। अच्छा, फिल्मी गीतों में, फिल्मी गीतों में अक्सर ऐसा रहता ही है, तो ये मांड में खमाज भी है। ठुमक चली ठुमरी इस श्रृंखला की ये थी चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार हैं माधुरी ओक और शरद सुतवणे, तकनीकी सहयोग प्रदीप शिंदे। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। I'm not a man.